नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में जमीन हड़पने के मामले में हुई 13 हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी शिव कुमार झा को दरभंगा पुलिस ने नेपाल बॉर्डर स्थित मधुबनी जिले के सहार घाट से शुक्रवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने बताया कि घटना के बाद से शिव कुमार झा नेपाल देश फरार हो गए थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दरभंगा पुलिस शिव कुमार झा के मोबाइल का लोकेशन ले रही थी। शिव कुमार झा मधुबनी जिले के सहार घाट स्थित गाँव आना जाना भी कर रहे थे। पुलिस परिवार वालों पर दबिश बनाई हुई थी। शुक्रवार की शाम जैसे ही शिव कुमार झा का मोबाइल लोकेशन मधुबनी जिले का मिला, दरभंगा पुलिस ने बिना समय गवाए गिरफ्तार कर लिया। देखिए, 10 तारीख की घटना है, ये जीएम रोड जो घटना घटी थी, निक्की झा के की बहन और भाई जिनकी मृत्यु हो गई पीएमसीएच में इलाज के क्रम में, उसमें एक नामजद अभियुक्त और 40 अज्ञात थे। एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा की बीती रात्रि गिरफ्तारी मधुबनी जिला अंतर्गत सहार घाट के पास गांव बाजार है, वहां पे गिरफ्तारी हुई है। और इसमें हम लोगों की टीम कई दिनों से वहां पे कैंप कर रही थी और इनके लोकेशंस पे काम कर रही थी। ये जब से घटना घटी थी उसके बाद से ही अगले दिन से नेपाल चले गए थे और नेपाल में विभिन्न जगहों पे इनका भ्रमण रहता था, लेकिन ये बीच बीच में सीमावर्ती, चूँकि इनका घर भी रहा है इसलिए इनका आना जाना रहता था। और उसी चीज़ का हम लोगों ने लोकेशन का इनका ट्रेस किया और अंततः कल हम लोगों को सफलता मिली और इनकी गिरफ्तारी हुई। साथ में कल दरभंगा से भी उस कांड में एक और जो अज्ञात अपराधकर्मी है, तिरुपति राय, मदारपुर का रहने वाला लड़का है, उसकी भी गिरफ्तारी कल दरभंगा से हुई है। तो इसमें कुल अज्ञात में से 9 की गिरफ्तारी हो गई है और एक नामजद जो मुख्य अभियुक्त थे शिव कुमार झा, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा जो पूछताछ हुई है बीती रात्रि इनसे और सुबह तक, उसमें कुछ अहम जानकारी पुलिस को मिली है और कुछ और नाम सब आए हैं जो पहले हम लोगों ने भी सीसीटीवी से निकाला था, उसमें भी पहचान करवाया है, और जो नाम आई है वो अनुसंधान का विषय है और उसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर, शिव कुमार राय पुलिस हिरासत में आए हैं, क्या उन्होंने इस घटना में अपनी सारी संलिप्तता को स्वीकार किया? देखिए, मैंने आपको बताया नामजद ही अभियुक्त हैं तो ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्या उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया है? जो पूछताछ के दौरान जो बताया गया है वो सारा अनुसंधान का विषय है और अभी पूछताछ चल भी रहा है, ये अनुसंधान का हिस्सा है, इसलिए जो जानकारी हम लोगों को मिली है उसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे और जो नाम पहले से कुछ नाम नहीं पते चल रहे थे उनका भी सत्यापन कर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आज कितने लोगों की गिरफ्तारी है? दो लोगों जहाँ पे अभी तक टोटल 9 की गिरफ्तारी हो गई जो अज्ञात में थे और एक नामजद अभियुक्त, टोटल 10 गिरफ्तारी अभी तक हो गई है। बाकी जो 30 बचे हुए हैं सर, उसका गिरफ्तारी कब तक होगा? नहीं देखिए, वो अज्ञात 40 बताया गया है, वो संख्या कोई गिनती करके 40 नहीं बताया गया है, वो अज्ञात है और जो नाम हम लोगों को पूछताछ से जितने पता चलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।